नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। कल्पना सोरेन बनेंगी सीएम, चंपाई सोरेन ने कही बड़ी बात। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर बड़ी बात कही है। चंपाई ने एक तरफ जहां कल्पना को मुख्यमंत्री बनाए जाने का संकेत दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार सोरेन परिवार के दो सदस्यों के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का इशारा किया है। अटकलों के बीच खुद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में संकेत दिए कि जेल में बंद हेमंत सोरेन बागी होकर भाजपाई हुई भाभी सीता सोरेन के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। उन्होंने हेमंत की पत्नी कल्पना को सीएम बनाए जाने की बात भी कही है। चंपाई ने कहा है कि गांडे विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना की उम्मीदवारी के बारे में झामुमो पार्टी एक सप्ताह में फैसला करेगी। उन्होंने आगे कहा, अगर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती है और जीतती है तो झामुमो तय करेगा कि क्या वह मुख्यमंत्री बनेंगी। वहीं कल्पना के मुख्यमंत्री बनने और हेमंत सोरेन के भाभी सीता के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच चंपाई ने इसका खंडन नहीं किया है, बल्कि कहा है कि इस पर जल्द फैसला हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहकर इस बात की पुष्टि कर दिया कि झामुमो में दोनों की बातों पर विचार चल रहा है। गांडे विधानसभा सीट पर 20 मई को लोकसभा चुनाव के साथ मतदान होने जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति मामले में दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद सुनवाई होगी। बता दें, 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है तो हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर आदेश पारित करेगा। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। झारखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई, चतरा से 4 गिरफ्तार। झारखंड की चतरा पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ मंगलवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2.30 करोड़ की अफीम और डोडा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक तस्कर भागने में सफल रहा है। यह जानकारी एसपी विकास कुमार पांडे ने समनालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने कहा है कि फरार तस्कर रूपन गांजू व अन्य तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने 2 करोड़ 30 लाख की अफीम और डोडा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में कुंदा थाना क्षेत्र के टिटही बड़गांव निवासी ब्रह्मदेव गांजू, वीरेंद्र गांजू, हरिद्वार कुमार, लवालौंग थाना क्षेत्र के पसागम गांव निवासी चंद्रदेव गांजू शामिल हैं। बोकारो में मां मथुरा सेनी के जयकारों से गुजरा उमड़े श्रद्धालु। झारखंड के बोकारो जिले के चास में माहौरी समाज की ओर से आयोजित 3 दिवसीय 42वां मां मथुरा सेनी पूजा महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को चास नंदुआ स्थान स्थित मां मथुरा सेनी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजा के दौरान जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस दौरान बच्चों और महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पूजा समिति ने पुरस्कृत भी किया है। बता दें, मां मथुरा सेनी की प्रतिमा का बुधवार को विसर्जन होगा। अजय पंडित गोलीकांड का 6 घंटों में खुलासा, 4 गिरफ्तार। झारखंड की कोडरमा पुलिस ने अजय पंडित गोलीकांड मामले में तत्परता दिखाते हुए महज 6 घंटे के अंदर न केवल मामले का खुलासा किया है, बल्कि मुख्य साजिशकर्ता समेत घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके साथ ही पुलिस ने इनके पास से हथियार व गोली समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। बता दें, जमीन विवाद में आरोपियों ने अजय को गोली मारी थी, हालांकि ये वारदात में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। बीजेपी 10 साल के काम का हिसाब दे तब मांगे वोट जेएमएम। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी अपने 10 साल के काम का हिसाब दे तब वह चुनाव में वोट मांगे। उन्होंने कहा है कि जब झारखंड की राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सजग हुई थी तो यहाँ ईडी को लगाया गया था ताकि केंद्र से सब कुछ कंट्रोल किया जा सके। हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, इसलिए वह जेल में रहेंगे। जिनके खिलाफ असंख्य सबूत हैं वे राजभवन में। उन्होंने कहा है कि बीजेपी महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर बोले, लेकिन वह भ्रष्टाचार पर नहीं बोले। बीजेपी 10 साल के काम का हिसाब दे तब जाकर चुनाव में वो वोट मांगे। वे झामुमो के हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
चुनाव आयोग ने देवघर एसपी को हटाया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने मंगलवार को तबादला किया है। झारखंड के देवघर एसपी बदल दिए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने खाली पदों को भरने का भी निर्देश दिया है। बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के देवघर जिले के एसपी अजीत पीटर डुगडू का ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही रांची के ग्रामीण एसपी, पलामू के डीआईजी और दुमका के आईजी के खाली पदों को भरने के लिए अधिकारियों के नाम मांगे हैं। बता दें कि झारखंड समेत 5 राज्यों असम, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 8 जिला मजिस्ट्रेट और 12 पुलिस अधीक्षकों का निर्वाचन आयोग ने स्थानांतरण किया है। चुनाव आयोग को मिली शिकायत के आधार पर देवघर एसपी अजीत पीटर डुगडुग पर कार्रवाई की गई है। देवघर एसपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के संयुक्त निदेशक अनुज चांडक द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है। गुमला में युवक की हत्या, पत्नी समेत 2 बच्चों की हालात गंभीर। झारखंड के गुमला जिले के केंदार गांव में टांगी से वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई है, जबकि पत्नी व 2 बच्चों की हालत गंभीर है। इन्हें विष्णुपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों का इलाज किया गया है। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें, गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड के अति उग्रवाद प्रभावित तेंदार गांव में छोटे लाल उराव ने धीरज मुंडा 42 वर्षीय को टांगी से काटकर हत्या कर दी। वहीं छोटे लाल ने उनकी पत्नी बासमती देवी, बेटा दशरथ मुंडा व बेटी मुक्ति कुमारी को भी टांगी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर झारखंड के एनडीए फोल्डर ने मंगलवार को रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई। बैठक के बीच में संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर सबसे पहले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि यह बैठक राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बुलाई गई है। देश भर में पीएम मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। इसी तरह झारखंड में भी हम 14 की 14 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर रखा है। इसके लिए जरूरी है कि हम दलीय आधार पर जनता से कब और किस तरह से संवाद स्थापित करें, इसे सुनिश्चित करना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह बैठक लोकसभा चुनाव में जिला और प्रखंड स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए बुलाई गई है। झारखंड बीजेपी के गिरिनाथ सिंह ने छोड़ा पार्टी का दामन। झारखंड में भाजपा को इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार झटका मिल रहा है। अब खबर है कि बीजेपी के एक और दिग्गज नेता गिरिनाथ सिंह ने पार्टी छोड़कर रायत का दामन थाम लिया है। मंगलवार को पटना स्थित राजद कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। बता दें, बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह और महासचिव भोला प्रसाद यादव ने इसका स्वागत किया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने लालू यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसके बाद से ही चर्चा थी कि वह फिर घर वापसी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी उन्हें चतरा से प्रत्याशी बना सकती है। गुमला के नवरत्नगढ़ में खुदाई में मिला 355 साल पुराना शिव मंदिर। गुमला से 32 किलोमीटर दूर सिसई प्रखंड के नगर गांव स्थित ऐतिहासिक धरोहर नवरत्नगढ़ की खुदाई से 355 साल पुराना शिव मंदिर व मठ मिला है। शिव मंदिर के बीच में प्राचीन शिवलिंग मिला है, जिसकी बनावट अद्भुत है। इस प्राचीन मंदिर को बनाने में सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया गया है। सुभद्रा व बलभद्र मंदिर के समीप देवी देवताओं का वास स्थल भी खुदाई में मिला है, जिसे लोग रास्ता समझकर हर दिन आना जाना करते थे। उस रास्ते की खुदाई से कई प्राचीन भवन व नकाशीदार पत्थर मिले हैं। बता दें, 2 खुफिया दरवाजे भी दिखे हैं, जिसकी खुदाई अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि दरवाजे की खुदाई से और मंदिर मिलने की संभावना या फिर मंदिर के अंदर कोई प्राचीन खुफिया कमरा हो सकता है। हाई कोर्ट ने महिला अपराध, रंगदारी व जमीन कब्जा की मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश बोलने वाली महिला से हुए गैंगरेप की घटना पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार को पिछले 1 माह के अंदर महिला हिंसा, भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जा, रंगदारी मांगने जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित घटना की जानकारी देने का निर्देश दिया है। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने किया घेराव। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षक नामांकन करने तथा 9 माह से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर वित्त पदाधिकारी सहित रजिस्ट्रार,
डीएसडब्ल्यू प्रोक्टर को कार्यालय में ही बंद कर 7 घंटे से भी अधिक समय तक घेरा रखा। सभी अतिथि शिक्षक दिन के 12 बजे से ही विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे और कुलपति से भेंट नहीं होने पर सीधे वित्त पदाधिकारी कार्यालय में बैठे प्रभारी वित्त पदाधिकारी को विश्वविद्यालय के नियमानुसार आवश्यकता आधारित शिक्षक मानते हुए उन्हें भी प्रतिमाह 57,700 रुपये का भुगतान करने की मांग करने लगे। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर सभी शिक्षक वित्त पदाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ गए। पलामू में रैतों ने मुआवजा मांग को लेकर 4 लेन काम रोका। मुआवजा राशि नहीं मिलने से नाराज कजरी गांव के रैतों ने मंगलवार को 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य बंद करा दिया है। गांव स्थित सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर सड़क को जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलने के बाद अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी जाम स्थल पर पहुंचे, लेकिन रैत नहीं माने, जिसके बाद कंपनी के अधिकारी ने कार्य को बंद करा दिया है। धनबाद में मच्छरों का प्रकोप, परेशान हैं लोग। झारखंड के धनबाद नगर निगम क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। इस वजह से रात हो या दिन कभी भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा। शहरी क्षेत्र में फॉगिंग कराने का जिम्मा नगर निगम का है, लेकिन इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई। हद तो यह है कि शहरी क्षेत्र की 15 लाख की आबादी के लिए नगर निगम मात्र 4 हैंड प्रेशर से फॉगिंग करा रहा है। 8 माह पहले 1.5 करोड़ की लागत से 5 कोल्ड फॉगिंग मशीन खरीदी गई। मुश्किल से 1 माह भी कोल्ड फॉगिंग मशीन नहीं चली। 7 माह से कोल्ड फॉगिंग मशीन बंद है। 4 हैंड प्रेस है, इससे रोटेशन पर हर वार्ड में फॉगिंग हो रही है। बोकारो स्टील प्लांट में 15,000 कर्मी बनेंगे अधिकारी। झारखंड के बोकारो जिले के बीएसएल सहित सेल के कर्मचारी से अधिकारी बनने वालों के लिए खुशखबरी है। बोकारो स्टील प्लांट के 1200 सहित सेल के 15,000 कर्मी अधिकारी बनेंगे। बता दें, सेल प्रबंधन ने सोमवार को जूनियर ऑफिसर परीक्षा का सर्कुलर जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगी, वहीं अंतिम तिथि 14 अप्रैल है। लिखित परीक्षा की तिथि बाद में घोषित होगी। झारखंड में सियासी कलेश, आरजेडी जेएमएम को कांग्रेस का जवाब। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंगलवार को रांची वापस लौट गए हैं। ठाकुर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाए गए थे और वहां उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिस पर निर्णय होना है। बता दें, झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसमें से 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी हो चुका है। अन्य 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर केंद्रीय कमेटी की बैठक में लगेगी। यह बैठक अब 3 दिनों के बाद होने की संभावना है। वहीं रांची लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस अपनी सीटों में से किसी को हिस्सेदारी नहीं देने जा रही, हालांकि अंतिम निर्णय आलाकमान को ही लेना है। जेएमएम ने भाजपा पर किया प्रहार तो बीजेपी ने किया पलटवार। लोकसभा चुनाव को लेकर दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर तंज कसा है कि वह भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धोकर चुनाव लड़ा रही है। जो भ्रष्टाचारी भाजपा में आ गया उसके स्वच्छता की गारंटी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा उसे आत्मसात कर लेती है। जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई के अलावा कई आपराधिक केस दर्ज हैं, वह भी भाजपा में आकर टिकट पा रहा है। झारखंड में भी जिनके खिलाफ सीबीआई की मामले चले, उन्हें और उनके परिवार को लेकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार का पोषक बनकर उभरी है। राष्ट्रपति का अपमान भाजपा कर रही है। एक आदिवासी महिला को बेइज्जत करने के लिए उन्हें अडवाणी के घर ले जाया गया, वो खड़ी रही और पीएम बैठे रहे। गढ़वा कलेक्ट्रेट में लगी आग, 3 लाख का सामान राख। गढ़वा समाहरणालय स्थित उपायुक्त शेखर जमुआर के चैम्बर से ठीक सटे किचन में मंगलवार की शाम अचानक आग लग गई। आग लगने से किचन में रखा फ्रिज, एसी, पंखा, फॉल्स सीलिंग समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग डीसी चैम्बर में पहुंच पाती, इसके पूर्व वहां पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सबसे पहले आग फ्रिज में लगी तथा इसके बाद उसने अन्य सामानों को अपनी चपेट में ले लिया। रांची के होटलों में चल रहा जिस्म फरोशी का काला खेल। राजधानी में कई इलाकों में खुलेआम जिस्म फरोशी का रैकेट चल रहा है। रांची पुलिस ने सोमवार को सदर, बरियातू और कई इलाकों में छापेमारी कर 20 लड़की और 6 युवकों को हिरासत में लिया है। एसएसपी चंदन सिन्हा को सूचना मिली थी कि शहर के कई इलाकों में जिस्म फरोशी का रैकेट चल रहा है। एसएसपी ने 3 स्पेशल टीम का गठन किया है। पूरे शहर में एक साथ टीम के द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस ने सदर और बरियातू इलाके में छापेमारी कर कार्रवाई किया। पुलिस का कहना है कि जिन लड़कियों की हिरासत में लिया गया है वह बंगाल और बांग्लादेश की है।
झारखंड बिहार की संयुक्त कार्रवाई से 50,000 किलोग्राम महुआ नष्ट। एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देश पर हुसैनाबाद थाना की दंगवार और बिहार की नवीनगर थाना पुलिस द्वारा मंगलवार को अवैध शराब कारोबारी के विरुद्ध संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। शराब कारोबारी द्वारा दंगवार सोन नदी के बीचों बीच स्थित डिलापर साजिश के तहत ड्रॉप की गई जमीन में गड्ढा खोदकर प्लास्टिक में जवा महुआ तैयार किया जा रहा था ताकि किसी को पता नहीं चल सके। इन सब के बावजूद पुलिस टीम द्वारा जमीन के अंदर छुपा कर रखे जवा महुआ का भंडाफोड़ करते हुए कुल 50,000 किलोग्राम जवा महुआ, 2,000 केजी सूखा महुआ, 1,000 केजी गुड़, 15 भट्टी को ध्वस्त तथा 100 लीटर निर्मित अवैध महुआ शराब को सोन नदी की बहती जलधारा में डालकर नष्ट किया गया। तानाशाहियों का किला ढहना शुरू, कल्पना सोरेन। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंगलवार को कहा कि तानाशाहियों ताकतों का किला ढहना शुरू हो गया है। उनका यह बयान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के तुरंत बाद आया है। बता दें, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिन्हा को मंगलवार को जमानत दी है। कल्पना सोरेन ने एक्स पर लिखा, तानाशाही ताकतों का किला ढहना शुरू हो गया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अन्यायपूर्ण कारावास के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीती है। यह सच्चाई और संघर्ष की जीत है, यह भारत की जीत है। झारखंड मौसम। झारखंड में 3 से 4 दिन तेज गर्मी पड़ेगी। कोल्हान और संताल परगना इलाकों में 4 से 6 अप्रैल के बीच लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार से रांची 3 दिन तपेगी। 6 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव आएगा, इस दौरान बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर हल्के बादल छाएंगे, कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने से मौसम में मामूली बदलाव आएगा। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान चलने वाली नम हवा के कारण तापमान में मामूली गिरावट आई है। रेलवे में छूट बंद की, हमने दी पेंशन, चंपाई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है कि उन्हें खबर मिली है कि बुजुर्ग यात्रियों से छूट वापस लेकर रेलवे को 5,800 करोड़ का फायदा हुआ है। वहीं उनकी झारखंड सरकार ने 36 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन का सहारा दिया। हमारी सर्वजन पेंशन योजना से हर जरूरतमंद लाभान्वित हुआ है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि एक मेयर के चुनाव से लेकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड तक और सहयोगियों को भ्रामक विज्ञापन के सहारे करोड़ों की लूट की छूट देने से लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिन्हा की जमानत तक फिर एक बार साबित हुआ है कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सहारे बचा हुआ है। 100% नामांकन के लिए टैग किए जाएंगे विद्यालय। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट कम किया जाएगा और 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सरकारी स्कूल एक दूसरे से टैग किए जाएंगे। राज्य के आंगनवाड़ी 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल एक दूसरे से टैग किए जाएंगे। आंगनवाड़ी 5वीं, 8वीं और 10वीं तक चलने वाले स्कूलों को 1ली, 6ठी, 9वीं और 11वीं से शुरू होने वाले पोषक क्षेत्र में पढ़ने वाले या नज़दीक के स्कूल से टैग कर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। बता दें, सभी जिलों को निर्देश दिया है कि आंगनवाड़ी से स्कूलों में और स्कूलों में क्लास एक से अगली क्लास या दूसरे स्कूल में 100% नामांकन हो। कोई भी छात्र छात्रा नामांकन से छूटे नहीं, यह सुनिश्चित की जाए। बच्चों को ट्रैक किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो ड्रॉप आउट होना स्वाभाविक है। इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर प्लस टू स्कूलों तक एक क्लास से दूसरी क्लास में 100% नामांकन हो। इसके लिए JCERT ने 4 प्रपत्र जारी किया है, स्कूलों को इससे संबंधित जानकारी देनी है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।